राजीव गोदग्राम कुल्हाड़ी घाट तो सभी नेताओं के जुबान पर है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इस आश्रित ग्राम भालूडिगी में प्रदेश स्तर का कोई नेता पहुंचा था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी विनोद तिवारी कंबल देने के बहाने कमार परिवार का हाल जानने पहुंचे। ऐसे में ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी भी स्वाभाविक थी। बता दें कि 1985 में राजीव गांधी ने कमार आदिवासियों के गांव कुल्हाड़ी घाट पहुंचकर गांव को गोद लिया था। तब से यहां तक ही नेताओं का आना जाना रहा। यहां से 6 किलोमीटर पहाड़ की खड़ी चढ़ाई करने के बाद 30 कमार परिवार का बसाहट भालूडिगी बस्ती है। मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर इस बस्ती में समय समय पर अवसर पहुंचकर सरकारी खाना पूर्ति तो कर लेते थे, पर प्रदेश स्तर का कोई नेता पहली बार पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महामंत्री विनोद तिवारी अपने समर्थक व स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ पहुंचे थे। गांव तक पहुंचने के लिए नेताओं को 6 किलोमीटर खड़ी पहाड़ी रास्ता को 3 घंटे में तय करना पड़ा था। जरूरी सामान को पहाड़ी बस्ती तक ढोने वहां के पारंपरिक साधन घोड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। विनोद तिवारी ने कंबल भेंट कर पूरी बस्ती का मुआवना किया। ग्रामीणों ने पेयजल बंद सोलर लाइट की समस्या को अवगत कराया, जिसे जल्द ही दूर करने का भरोसा दिलाया है। कमार गांव भालूडिगी में कोई नेता नहीं आए रही 7 तारीख से। तो विनोद तिवारी कुल्हाड़ी घाट से पैदल भालूडिगी पहाड़ चढ़ के कम्बल चादर बांट के जाते, बड़ा खुशी की बात था। आज से ये खुशी की बात है कि आज हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता आज कोई भी या तो भाजपा के रहें प्रधानमंत्री, तब भी आज यहाँ तक नहीं पहुँच रहे। आज इतना खुशी की बात है कांग्रेस के विनय तिवारी जी यहाँ आ करके जनता के सामने कंबल उम्बल बांट के और जा रहे हैं। ये खुशी की बात है और ये विकास के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, भालूडिगी नामक जो जगह है, यहाँ पर हमारे कमार जाति के आदिवासी भाई बहन रहते हैं और बहुत ठंड का मौसम है। हम लोगों को लगा कि इनके लिए कंबल लेकर वहाँ पर जाना चाहिए। हम लोग पैदल चलकर सभी साथियों सहित यहाँ पर पहुँचकर और अपने भाई बहनों को कंबल वितरित किया यहाँ पर, और यहाँ की समस्याओं को जाना कि ऐसी कौन सी समस्या है जो जिनका हल किया जा सकता है। उन समस्याओं को समझकर जिला प्रशासन से जाकर मिलकर, कलेक्टर महोदय से जाकर मिलकर के उनको बताएंगे। जैसे यहाँ लाइट की परेशानी है, पानी की परेशानी है, तो लाइट के लिए जो सोलर लाइट होती है और सोलर के माध्यम से जो कुएं से पानी निकाला जाता है, वो सिस्टम यहाँ पर लग जाएगा तो यहाँ के लोगों को आसानी होगी। इन्हीं सब बातों को लेकर हम यहाँ पर आए। दियोभोग से घनश्याम यादव की रिपोर्ट।